हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी टिकी और स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल एक आइटम। इसे आप बनने के बाद आप इसे वॉल हैंगिंग बोलेंगे या ग्रेटिंग बोलेंगे या कुछ और नाम देंगे, आपकी मर्जी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने एक कार्डबोर्ड पीस को राउंड शेप में ले लिया कट करके। तो मैंने थाल से मेजरमेंट ले लिया था और उसके बाद मैंने ये रेड कलर का वेलवेट कपड़े को थोड़ा उससे ज़्यादा शेप में काट के उसको अच्छे से सेट कर लिया गम की मदद से। और उसके बाद ये देखिए, डिस्पोजेबल स्पून को मैं इसके ऊपर डेकोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरह से मैं इसको सेट करूँगी, तो उसके हिसाब से मैं उसके बाद गम से सेट कर लूँगी। ये प्लास्टिक और हल्का स्पून है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे कट करने में, तो आराम से कट हो जाएगा कैंची से या फिर हाथ से भी आप तोड़ सकते हो थोड़ा ध्यान देके। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं गम से सेट कर दे रही हूँ। एक सेट करके आपको दिखा दूँगी, उसके बाद पूरा बना लूँगी। उसके बाद बहुत लंबा हो जाता है वीडियो एकदम से धीरे धीरे दिखाने में, तो आप तो समझ ही जाओगे। ये देखिए, इसको मैं पूरा चारों तरफ अच्छे से सेट कर ली। जिस तरह से आपको दिखाई थी एग्जैक्ट उसी तरह से ही मैं चारों तरफ उसी तरह से ही मैं सेट की हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए, और इसके पीछे की तरफ भी मैं दिखाऊंगी, एक जितना भी स्पून का हिस्सा है उसको मैं एक पट्टी से ऐसे कवर कर ली। देखिए, और उसके बाद ये देखिए गोल्डन और वाइट मोती ली हूँ मैं कुछ इस तरह से अपने हिसाब से, तो गम से सेट कर लूँगी। दो तीन लाइन कुछ भी ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया। बीच में एक पतला सा एक धागा वाला लेस भी दे दी हूँ और वाइट वाला लेस ऐसे दे दी हूँ। और बीच में जितना जगह बचा है उसके अंदर और कुछ डिजाइन नहीं बनाना है, उसके अंदर लिखना है एक मैसेज। मैसेज में मुझे और कुछ नहीं लिखना है, मैं लिखूंगी मेरी क्रिसमस। आप कुछ और सोच के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो जिंक ट्यूब आता है ना वो यूज़ की हूँ, पर आप अगर इस ट्यूब की जगह पर ब्रश, गम और जिंक पाउडर की मदद से अगर लिखते तो और भी अच्छा फिनिशिंग आता। क्योंकि मैं स्टार्ट कर ली थी इस ट्यूब की मदद से और मैं चेंज नहीं कर पाई, मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ा। ट्यूब की यही दिक्कत है कि ये स्मूथली नहीं निकलता है, तो कभी एकदम से ज़्यादा निकल जाता है तो कभी एकदम से कम निकलता है। तो चलिए जो भी है, मेरा तो हो गया। आप अगर बनाना चाहो तो और भी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं आप। अभी मैं ये पीछे की तरफ एक धागा सेट कर रही हूँ ताकि हम कहीं पे भी हैंग कर सकें। तो आपको ऊपर के हिस्से के तरफ थोड़ा पॉइंट आउट करके ठीक जगह पर आपको धागा सेट कर लेना है। इसके बाद और कुछ नहीं है, बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हैंग करके भी आपको दिखा दूंगी। बस उससे पहले एक बात आपसे बोलना ज़रूर चाहूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो देखना पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, नहीं तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। ओके देन, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू।